राहुल गांधी पोंगल के मौके पर तमिलनाडु में थे। पोंगल के मौके पर मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम हुआ, जिसका हिस्सा बनने राहुल गांधी भी पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा कि तमिल कल्चर को देखना काफी अच्छा अनुभव था और मुझे खुशी है कि जल्लीकट्टू व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सुरक्षित हैं और सभी का ध्यान रखा जा रहा है। जल्लीकट्टू के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के बेटे और यूथ विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे। राहुल का ये दौरा तमिलनाडु की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के लिए लंबे अरसे से भावनात्मक मुद्दा रहा है। इसी खेल के हक में चेन्नई के मरीना बीच की रेत पर 2017 में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। राहुल की ये कवायद खुद को ऐसे नेता के तौर पर पोजीशन करने की है जिसे पोंगल के महत्व की अच्छी तरह समझ है। जल्लीकट्टू युवा ग्रामीण खेल है और कांग्रेस पार्टी राहुल की मौजूदगी को तमिलनाडु के युवा वोटरों से जोड़ने की कोशिश के तौर पर मार्केट करना चाहते हैं। लेकिन राहुल के इस दौरे से एक बार फिर कांग्रेस पर ही सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जमकर आलोचना होने लगी, क्योंकि 2011 में यूपीए कार्यकाल के दौरान तत्कालीन पर्यावरण मंत्री कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जल्लीकट्टू पर बैन सुनिश्चित किया था। कांग्रेस की इसी दोहरी नीति का हवाला देकर बीजेपी भी राहुल पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी के इस दौरे को राजनीतिक दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल अप्रैल मई में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और संभावना है कि डीएमके और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो जाए। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने स्वीप किया था और 39 में से 38 सीट पर विजय हासिल की थी। ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर भी ग्रैंड ओल्ड पार्टी की उम्मीदें ऊंची हैं। राहुल के इस दौरे से ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर मई 2021 विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराया जाता है तो इसका श्रेय सिर्फ डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन को नहीं, कांग्रेस नेता को भी जाए। इसके साथ ही राहुल इस मौके को खुद को किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के तौर पर भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार और पंजाब हरियाणा के किसानों के बीच कृषि से जुड़े नए कानूनों को लेकर ठनी हुई है, राहुल गांधी मदुरई के कार्यक्रम का इस्तेमाल भारतीय किसान के प्रति अपनी पार्टी के प्रेम को जताने के लिए करना चाहते हैं।